गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज क्यू। तो पहले जानते हैं कि क्यू होता क्या है। तो अ क्यू इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, तथा जो हमारा क्यू होता है वो होता है कि इसमें जो है जो हमारा एलिमेंट पहले आएगा वो एलिमेंट पहले जाएगा, मतलब इट्स कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ लिस्ट। इसमें जो होता है दो एंड होते हैं, एक एंड फ्रंट होता है, एक एंड रेयर होता है। जब हमारा कोई एलिमेंट इंसर्ट होता है तो वो रेयर एंड पे होता है, और जब हमारा कोई एलिमेंट डिलीट होता है तो वो फ्रंट एंड पे होता है। तो आइए जानते हैं कि ऑपरेशन ऑफ क्यू क्या होता है। सॉरी, इससे पहले हम ये जानते हैं कि क्यू का एग्जांपल क्या होता है अच्छे से समझने के लिए। तो मान लीजिए कि आप जो है अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए रेलवे बूथ पे गए हैं, और वहां पे जैसे जो पहले जाता है उसकी सीट पहले रिजर्व हो जाती है, और अगर नंबर ऑफ सीट खत्म हो जाती है तो वो क्या आ जाता है, वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। इसलिए तो जो पहले जाएगा उसकी सीट पहले रिजर्व हो जाएगी, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ लिस्ट। अब जानते हैं कि ऑपरेशन ऑफ क्यू क्या होते हैं। तो देयर इज टू टाइप ऑफ ऑपरेशन क्यू। पहला जो है वो हमारा होता है इंसर्शन, और दूसरा क्या होता है, डिलीशन। तो इंसर्शन के बारे में पहले हम जानते हैं। इंसर्शन में क्या होता है कि हमारा जो क्यू है उसमें न्यू एलिमेंट ऐड होगा, तो जब हमारा न्यू एलिमेंट ऐड होगा तो इस प्रोसेस को इंसर्शन कहते हैं। और इसमें जो हमारे रेयर का वैल्यू होता है वो एक बढ़ जाता है, इंक्रीमेंटेड बाय वन। तो आइए देखते हैं कि इसका एल्गो और हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इंक्रीमेंटेड बाय वन हो जाता है। मान लीजिए ये लिस्ट है हमारी ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री और ए फोर। यहाँ पे मान लीजिए 20 है, 10, 20, 30, 40 है। तो ये हमारा अभी क्या है, फ्रंट है, और ये हमारा क्या है, रेयर है। तो एल्गो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या स्टेप होता है हमारा, स्टार्ट। दूसरा, इफ हम चेक करेंगे एफ डबल इक्वल टू वन एंड आर इक्वल टू एन, अगर ये है तो हमारा क्या हो जाएगा, Q is full, अगर नहीं है तो else। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R equal to R plus 1। सेवेंथ प्रोसेस क्या हो जाएगा, Q R equal to element, और सेवेंथ हो जाएगा हमारा stop। तो इस प्रोसेस से हम एक न्यू एलिमेंट को क्यू में इंसर्ट करते हैं, मतलब देखो R इक्वल टू R प्लस वन। तो अगर हम यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट मान लीजिए 50 नाम का ऐड करते हैं, तो ये रेयर जो है वो हमारा यहाँ से हट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे थी तो यहाँ से एक बढ़ गई, R प्लस वन हो जाएगा। तो ये होता है कि हमारा इंसर्शन ऑपरेशन। तो अब देखते हैं कि दूसरा ऑपरेशन क्या होता है हमारा, डिलीशन का। तो डिलीशन का ऑपरेशन में क्या होता है कि हमारा एक एलिमेंट जो है वो लिस्ट से डिलीट कर दिया जाता है, इसी को कहते हैं डिलीशन ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारे फ्रंट की वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंटेड बाई वन हो जाती है। अब देखते हैं, इसका भी लिस्ट देख लेते हैं। मान लीजिए लिस्ट ले लिए हम, तो यहां ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड ए फोर, देन 20, 30, 40, 50। तो ये हमारा क्या है, फ्रंट है, और ये क्या है हमारा, रेयर है। तो अब इसका एल्गो क्या होता है, स्टार्ट। सेकेंड क्या हो जाएगा, इफ एफ इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, और अगर नहीं करती है तो एल्स क्या हो जाएगा, क्यू एफ इक्वल टू एलिमेंट। सिक्स्थ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ प्लस वन, एंड सेवेंथ क्या हो जाएगा, स्टॉप। यहाँ पे क्या है कि अगर ये एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया, मान लीजिए ये एलिमेंट डिलीट कर दिया तो यहाँ पे हट जाएगा, तो हमारे जो फ्रंट की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यानी कि एफ प्लस वन हो जाएगी, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इसमें। तो ये होता है हमारा क्यू का ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमारा क्यू जो है वो खत्म होता है। तो अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।